न्यूज चैनल के एडिटर अर्णब गोस्वामी जिस तरह से डिबेट शो के दौरान वो लगातार पालघर मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं, उसके बाद बीती रात उन पर हमले की कोशिश की गई। अर्णब गोस्वामी ने एक वीडियो जारी करके इस हमले की जानकारी भी दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो में आरोप लगाया है कि उन पर यह हमला कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है। अर्णब के इस आरोप को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इस हमले के बाद एक ट्वीट किया है। अर्णब गोस्वामी के हमले के बाद अलका लांबा ने ट्वीट करके लिखा है, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, आजकल का कांग्रेसी भी बापू को दिलो जान से चाहता है, बापू के उपदेशों को खूब याद रखता है और जीवन में धारण भी करता है, पर कभी कभी समय के साथ मुन्ना भाई भी बनना पड़ता है, नहीं तो दुश्मन कमजोरी का फायदा उठाता है, समझे कुछ। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में भी लिखा था कि देश भर के कार्यकर्ता अर्णब गोस्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी पर दिए गए बयान को लेकर बेहद आहत हैं, अगर समय रहते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की तो मैं ये चेतावनी दे रही हूँ कि फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको बता दें कि अलका लांबा लगातार अर्णब गोस्वामी पर ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि अगर अर्णब गोस्वामी को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर की गई टिप्पणी पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिना सोचे सड़कों पर उतर जाना चाहिए, वरना कोरोना से पहले ये नफरत का जहर देश को मार डालेगा। अर्णब गोस्वामी को संघियों अंधभक्तों का समर्थन मिलना स्वाभाविक है। जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा की बात आती है तब तब ये उसके विरोध आकर खड़े हो जाते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, जब हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार देने की बात आई थी तब इन्हीं संघियों ने इसका विरोध किया था। अपने ऊपर हुए हमले पर अर्णब गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन पर बाइक सवार गुंडों ने हमला उस वक्त किया जब वे अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित थे। हमले के वक्त अर्णब गोस्वामी की पत्नी भी उस कार में मौजूद थी। फिलहाल अर्णब और उनकी पत्नी ठीक हैं। हमले के दौरान गुंडों ने कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश की। जब उनसे शीशा नहीं टूटा तो उन्होंने पूरे कार पर स्याही फेंक दी। हमले के तुरंत बाद अर्णब के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन गुंडों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सुरक्षा कर्मियों के अनुसार अर्णब पर हमला करने वाले बाइक सवार गुंडे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अर्णब ने बताया है ये घटना रात करीब 12:15 पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।